गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग गर्ल्स क्लास 7। जैसे मैंने कल क्लास में आपको बताया था कि ये पाकिस्तान की शेर की रीडिंग करनी है और उसमें से अल्फाज मानी और मरकबात निकालने। इसमें से देखिएगा कुछ चीज़ों के कुछ निकाली हैं मैंने, जैसे ये 1, 2, 3, 4, ये सारे इनके मीनिंग्स लिखे हैं लेकिन सब मरकब तौसीफ़ी हैं। सबसे बड़ा गर्म तरीन बेहतरीन तफसील कुल है, करीब करीब जहाँ जहाँ लफ्ज़ तकरारी है, कायदे आज़म लकब है, फिर मुहावरा एक आया है, फिर फलक बोस बहुत ऊंचा, इसी में बंजर उम्दा कदीम, आसमान को चूमने वाला यानी बहुत बुलंद, बंजर वीरान उम्दा अच्छा पुराना कदीम, इसम सफ़र इल्म सकाफ़त तालीम और रहन सहन का तरीक़ा, मरकबी अतफ़ी चाकू छुरी आपको पता है, इसम आला, मस्जिद और कब्रस्तान इसम ज़र्फ़ मकान, मोहम्मद बिन कासिम कुनियत पाकिस्तान का दिल मरकब इजाफ़ी, नहरी निज़ाम नहरों का निज़ाम ये भी, रोशनियों का शहर ये भी, आलात जराही ये तमाम मरकब इजाफ़ी है, लंबे कुर्ते बड़ी सी चादर मरकब तौसीफ़ी। फिर मैंने इस चैप्टर से जो इराब उठाए हैं बैक एक्सरसाइज से, वतन सन सिकरत मियार मिसाल लिबास सयाह और ताल्लुक, उसके बाद आप पेज देखिएगा, जुमले हैं माला माल फलक पोस चार चांद लगाना गुंजान आबाद मलिया मेट हुस्न सलूक हल्का बगोश। इसके बाद हम लोग आपको पता है कि करते हैं मुतशाबे अल्फाज, तारिक ये भी चैप्टर की बैक से, तारिक तारिक दोनों एक जैसी आवाज़ बोलने में मायने मुख्तलिफ हैं, हामी हाँ कहना हामी मददगार कमर का हिस्सा कमर कमर चांद, ऐसे लिखा जाएगा वाक्य मौजूद होना, वाक्य किस्सा या कहानी, इनके जुमले ज़रा थोड़ा सा और ज़र्रा चप्पा चप्पा, ये मैंने जुमले बनाए हैं, ये आप लोगों ने काम करना है। ये आप देखिएगा, अच्छा इसके अलावा भी अगर आपको कुछ अल्फाज मायने और मुरक्कबात मिलते हैं बेटा, अगर आप लिखेंगे मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी और मुझे लगेगा कि हम जो काम करते आ रहे हैं वो हम अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे साथ जो आप मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और सारे बच्चे करेंगे 7th के, और बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग करेंगे। और इसमें आपने रीडिंग कर ली थी तो इनके जो सवाल जवाब हैं सवाल जवाब वो भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आप ये वाला काम कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ केयरफुली देखा करें और जब आप काम करते हैं तो भी बहुत ध्यान से किया करें। शुक्रिया गर्ल्स।